Good morning, students. Today we are going to learn about the animal nervous system, which is given on page number 114, and that is quite initiation of the chapter. Earlier what we learned about the plant, I'll show you that it was given here 7.2 coordination in plants, and that was given on page number 112. So abhi tak humne ye sab padha. अब हम थोड़ा सा आगे का पढ़ेंगे दिस ये इंट्रोडक्शन पोर्शन और वी विल लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड थिंग्स रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन विच इज बीन टेकन और विच इज बीन कंसिडर अंडर आवर नर्वस सिस्टम. ओके, सो मूविंग टू माय रेफरेंस बुक. या so here the heading is coordination in animals. There it was coordination in animals of the nervous system. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. so basically ये nervous system हम बोलते रहते हैं. so what it is, so ये जो हमारी nervous system होती है वो nerves से बनी हुई होती है. see, can you see this nervous system? And can you see this small nerve cells like in it? This is a structure of Hydra basically. Hydra is a type of an organism. Okay, so our nervous system is made up of nerve cells. And there is a lot of coordination of these nerve cells into each other that our whole body works very nicely due to them. Now, this is the case in the lower organism what I said. Coming to the higher organism, so control and coordination in higher animals like vertebrate including human beings, it takes place through nervous system as well as hormonal system which is known as endocrine system. So what I mean to say is that if I had to consider higher organisms, let's say, so there are two systems controlling their body. First it comes as in nervous system, second comes endocrine system, also known as hormonal system. Okay, here human beings bhi aa gaye, huh? Fine. Chaliye, in lower organism it is just the nervous system controlling the things. Now we have five sense organs. Our five sense organs are eyes, nose, tongue, skin. It's written here, eyes, ears, nose, tongue, skin. And हमें पता कैसे चलता है, आई मीन वॉट वी सेंस, दैट हमको पता चलता है हाँ ये टेस्ट है, हम देख रहे हैं तो हाँ ये ऑब्जेक्ट है. दीज ऑल दे आर नोन एज अ सेंसेस. तो ये सेंसेस कहाँ से आते हैं? तो देर इज अ रिसेप्टर. जो हमारा सेंस ऑर्गन होता है ना, वो एक रिसेप्टर कैरी करता है. मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल जो किसी चीज को सेंस करके हमें बताते हैं कि जैसे लाइट आ रही है तो हाँ ये लाइट है, साउंड है तो हमें कान से सुनाई देता है. वो रिसेप्टर जो ग्रुप ऑफ सेल है वो साउंड को पिक करके बताते हैं हमको कि देखो ये साउंड है. सो लाइकवाइज आवर रिसेप्टर्स वर्क, राइट? एंड वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिम्यूलाई विच वी कैन नो. जैसे स्मेल है, टेस्ट है, हीट है, प्रेशर है, एक्सेट्रा. ठीक है, तो इन ये जो रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. चलिए अभी बात करते हैं हम फर्स्ट फोटो रिसेप्टर्स की. फोटो रिसेप्टर, द वर्ड फोटो, द फोटो वर्ड मीन्स लाइट. तो ये जो लाइट होती है, दे आर प्रेजेंट इन आईज. देन नेक्स्ट वी हैव इज फोनो रिसेप्टर. हमारा फोन हम कहाँ रखते हैं? कान पे. दैट मीन्स साउंड आएगा. सो दिस इज अ इनर ईयर साउंड.
तो इसे हम कहते हैं फोनोरिसेप्टर विच डिटेक्ट्स द साउंड. थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर इज ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. हियर यू कैन सी ओल्फैक्टरी रिसेप्टर. जो नाक में स्मेल आती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो केक हो या अच्छा खाना हो, तो इट इज़ ड्यू टू द ओल्फैक्टरी रिसेप्टर प्रेजेंट इन योर नोज. जब आप टेस्ट को डिटेक्ट करते हो तो उसमें होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो आपके टंग पे प्रेजेंट होते हैं, और उसके साथ प्रेजेंट होते हैं थर्मो रिसेप्टर्स जो डिटेक्ट करते हैं हीट और कोल्ड को. मतलब खाना गर्म या ठंडा तो है लेकिन साथ में टेस्ट क्या है, तो दैट कैन बी नोन, टेस्ट कैन बी नोन फ्रॉम द गस्टेटरी रिसेप्टर. और दूसरा लाइक वेदर इज हीट और कोल्ड वो पता चलता है फ्रॉम द थर्मो रिसेप्टर. ये थर्मो रिसेप्टर अपार्ट फ्रॉम आर टंग इट इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द स्किन. ठीक है, पर अगर टंग का पूछा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली गस्टेटरी रिसेप्टर ही मेन कहलाते हैं, तो उसी के बारे में लिखते हैं.